पीड़ित महिलाओं के आवंटन की जमीन पर दबंग राम खिलावन का कब्जा। रायबरेली जनपद में नहीं रुक रहा जमीनों पर कब्जा करने का सिलसिला। एक ऐसा मामला रायबरेली के चकमझौना थाना गुरुबख्शगंज सदर तहसील का प्रकाश में आया, जिसमें दो महिलाओं के आवंटन की जमीन पर परिवार के ही दबंग रिश्तेदार राम खिलावन कब्जा कर जोत बो रहे हैं। बल्कि उस जमीन का राम खिलावन से और दूर दूर तक किसी भी जमीन से कोई नाता रिश्ता नहीं है। इसके बावजूद भी दबंग राम खिलावन पीड़ित महिलाओं की जमीन पर कब्जा कर रखा है। जब इसका महिलाओं ने विरोध किया तो दबंग राम खिलावन उन्हें जान माल की धमकी दे रहा है। हालांकि महिलाओं ने इसकी सूचना नजदीकी चौकी पर दी और वहां भी कोई सुनवाई नहीं हुई। जायज को देखते हुए दोनों महिलाएं पहुंची उप जिलाधिकारी कार्यालय, जहां उनकी मुलाकात उप जिलाधिकारी मिथिलेश कुमार त्रिपाठी से हुई। महिलाओं को आश्वासन देते हुए उप जिलाधिकारी ने कहा, कल होगी आपकी जमीन की नाप, अब देखना है महिलाओं की जमीन की नाप होती है या नहीं। वहीं आपको बता दें, महिलाओं ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी से की है, जहां एसडीएम के आदेश पर मौके पर कानूनगो और लेखपाल राजकुमार आते हैं और जमीन की माप करने लगे। लेकिन उसके बावजूद भी लेखपाल ने महिलाओं की जमीन की नाप नहीं की और कहा, अब मैं आपकी जमीन की नाप नहीं करूंगा, क्योंकि आपने मेरे खिलाफ जिलाधिकारी को तहरीर देकर बताया कि मैं आपसे पैसा मांग रहा हूं, बल्कि मैंने आपसे पैसा नहीं मांगा। वह एक बार फिर थक हार कर पीड़ित महिलाएं पहुंची जिलाधिकारी कार्यालय, जहां उनकी मुलाकात सदर एसडीएम मिथिलेश कुमार त्रिपाठी तहसीलदार आनंद पाठक से हुई। उन्होंने दोनों बुजुर्ग महिलाओं को आश्वासन देकर कहा कि कल आपकी जमीन की नाप होगी, अब देखना है कि पीड़ित महिलाओं की जमीन की नाप होती है या नहीं, क्योंकि 2 बीघा जमीन पर परिवार के सदस्य राम खिलावन का कब्जा है, जिसमें प्रेमा देवी की जमीन का 1 बीघा राम खिलावन का कब्जा कर रखा है। वहीं दूसरी तरफ पूनम देवी की 1.5 बीघा जमीन पर 10-20 कब्जा कर रखा है। फिलहाल देखना होगा कि दोनों पीड़ित महिलाओं को न्याय मिलता है या फिर यूं ही जिले में बैठे आलाधिकारी मुख्यमंत्री के निर्देशों का उल्लंघन करते रहेंगे। क्या नाम है? पूनम। कहां से आई हैं? चकमझौना से। क्या है मामला? खेत का है। पूरी बात बताइए। खेत का है सर। खेत का क्या है मामला? खेत का मामला ये है कि हमारे राम खिलावन सर वो रखते हैं 10-20 1 बीघा, हम बोलते हैं तो सर हमको कब्जा नहीं करने दे रहे हैं। और राम खिलावन कौन है? ये परिवार के। परिवार के हैं। तो कितनी जमीन आप कितने में कब्जा कर रखे हैं? 10-20। तो आपने इसकी शिकायत कहीं नहीं की क्या? कहें थे सर ODM साहब के पास। तो मैडम ने क्या बोला था? मैडम ने बोला कि लेखपाल आएंगे नाप देंगे, तो फिर तो जब गए तो लेखपाल कुछ कहा ही नहीं। लेखपाल क्या गया थे मौके पे? मौके पे गए थे और बोले कि इसका भी नहीं होगा, कोई निर्णय नहीं होगा, अभी इतनी जल्दी नहीं होगा। तो आज कहाँ पर आई थी? आज ODM साहब के पास आए। ODM साहब के पास? हाँ। तो किसी से मुलाकात हुई? ODM साहब से हुई है, वो बोले हैं कि कल 2 बजे आएंगे। अगर न्याय नहीं मिला तो फिर क्या करेंगे? न्याय मिलेगा तो हम सर ऊपर तक जाएंगे। क्या नाम है अम्मा? प्रेमा देवी। कहाँ से आई हैं? चकमझौना। क्या है मामला आपका? सर हमारे पति के नाम 2 बीघे जमीन है, आवंटन में मिली है सर, हमको नाप गए, हम जोतने लगे, अब हमका नहीं पता कितना, हम कभी खेती पाती के मामले में जानते नहीं, हम सर मजूरिया मनई की लड़की, मजूरिया मनई के घर में शादी हुई है सर, हम 1 बीघा बो रहे हैं, हम जाने इतने हैं सर, हमको कुछ दिन में पता चला कि तुम्हारी 2 बीघे है, आपकी कम है जमीन, तो हम खोजने लगे। SDM साहब के पास आई तो जो तहसीलदार SDM के पास आई, हमने अपनी समस्या सब बताएं। क्या कहा उन्होंने SDM साहब ने? SDM साहब ने कहा, जाइए माता जी, हम भेजेंगे लेखपाल। कैसे पहले लेखपाल नहीं पहुंचे थे क्या माफ करने? पहुंचे सर। कब पहुंचे थे? कल। कौन कौन आया था? लेखपाल रहे, काने गो रहे, एक लोग और रहे सर, हम उनको नहीं जानते। तो क्या बोला उन्होंने? बोला कि हम घर पे थे, हम यहाँ से जैसे गए वैसे वो पहुँच गए, तो फिर हम घर पे थे, वो खेत पहुँच गए, तो कहें कि आइए बुलवाई हैं, अब आप घर में बैठी हैं, तो हम भाई गए सर, बूढ़े आदमी हैं, जैसे पहुँच पाए वैसे पहुँचे, 10-15 मिनट बाद, घर से थोड़ा दूर भी खेत है, तो सर जो है कि वहाँ गए तो कहे आइए बैठिए, आप मेरे खिलाफ कागज दे के अप्लीकेशन आई है, तो हम कहा सर जब सुनवाई नहीं करते हैं तो भाई देना पड़ा हम। तो लेखपाल के खिलाफ आपने क्यों अप्लीकेशन दी थी? सर जब नहीं सुन रहे हैं, तो मेरी जमीन नहीं नाप रहे हैं, 2-3 बार ऐसे भी जा चुके हैं, और जो हम कब्जा कर रखे हैं उसी को नापते हैं, बाकी जो मेरे पट्टीदार कब्जा कर रहे हैं राम खिलावन चाचा, उसको नहीं नापते हैं। तो 2-4 साल बाद कहें कि तो आज कहाँ पर आई थी आप? हम आए थे तहसीलदार। मुलाकात हो गई? हाँ सर। क्या आश्वासन मिला है?
कल के लिए बोले हैं कि कल के लिए भेजेंगे। अगर न्याय नहीं मिला तो क्या करेंगे? न्याय नहीं मिला तो हम फिर आएंगे।